एन सी आर टी एंड एन सी आर टी एग्जाम्पल ये दो बुक्स आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं इसमें काफ़ी क्वेश्चन आपको ऐसे जरूर मिलेंगे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज पहले जो एन सी आर टी एग्जाम्पलर क्योंकि एन सी आर टी से काफी क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ ऑलरेडी पहले से तो इसमें आते हैं सबसे पहला फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर से क्वेश्चन द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड सेवेंटी एंड वन ट्वेंटी फाइव लिविंग द रिमाइंडर फाइव एंड एट अब यहां पे मैंने आपसे हमेशा बोला है अगर डिवाइड्स है तो हमेशा हम क्या निकालेंगे एस सी एम निकालेंगे और डिवाइडेड बाई दिस नंबर तो एलसीएम निकालेंगे तो आपको यहां पे क्या फाइंड करना है एस फाइंड करना है लेकिन आपको रिमाइंडर कितना आना चाहिए फाइव और एट आना चाहिए तो आप क्या करेंगे पहले से इसमें से फाइव और इसमें से एट माइनस कर देंगे उसके बाद आप यहाँ पे निकालेंगे इसका एस और आंसर हमारा यहाँ पे क्या मिलेगा इस ए इज राइट आंसर थर्टीन इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी रिटर्न इज द A is equal to x cube, y square एंड द B इक्वल टू एक्स वाई आपको यहाँ पे एस सी एफ फाइंड करना है तो एस सी एफ फाइंड करने में आप हमेशा उसमें दोनों में जो मिनिमम पावर होगी वो आप लेंगे x स्क्ूब एंड द एक्स मिनिमम पावर इज वन यानी कि एक्स एंड द वाई स्क्वायर एंड वाई क्यूब मिनिमम पावर इज वाई स्क्वायर तो मीन्स आंसर इज एक्स वाई स्क्वायर इज बी आंसर सेम एज नेक्स्ट क्वेश्चन इज अल्सियम फाइंड करना है सेवन क्वेश्चन में पी इक्वल टू ए बी स्क्वायर एंड द क्यू इक्वल टू ए क्यूब बी तो यहाँ पर एल्सियम फाइंड करना है तो एल्सियम में हमेशा मैक्सिमम पावर लेंगे तो ए एंड ए क्यूब तो मैक्सिमम पावर इज ए क्यूब एंड द बी स्क्वायर एंड द बी मैक्सिमम पावर इज बी स्क्वायर तो सो द रिजल्ट इज एल्सियम बिटवीन दी एंड द क्यू ए क्यूब बी स्क्वायर मीन्स आंसर इज राइट आंसर इज अ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट क्वेश्चन द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड नंबर। तो पहले इेशनल पता है कि जब भी किसी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा आंसर कैसा आएगा इरेशनल ही आएगा एक और क्वेश्चन है अगर आप इसका आंसर लर्न कर ले तो सबसे बेस्ट रहेगा द लीस्ट नंबर इज डिविजिबल बाई ऑल द नंबर वन टू टेन एक से लेकर टेन तक के जितने भी नंबर है सभी नंबर से कोई एक नंबर डिवाइड हो जाए तो मीन्स एल्सियम निकालना है क्योंकि डिवाइड होना चाहिए तो एल्सियम वन से टेन तक का निकालेंगे तो कितना आएगा टू फाइव टू जीरो अगर आप आंसर लर्न करना चाहते हैं तो बेटर रहेगा क्योंकि एक स्पेशल क्वेश्चन है 1 10 के लिए, तो टू फाइव टू जीरो ट्वेंटी फाइव और ट्वेंटी का ऐसा नंबर है जो वन से लेकर टेन तक के सारे नंबर से डिविजिबल होगा इज द सेम एज इज अ टेन क्वेश्चन द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ द रेशनल नंबर वन फोर फाइव एट सेवन अपॉन वन टू फाइव जीरो इसमें आपको बताना ये है कि कितने डेसिमल के बाद यानी कि ये रिपीट होगा मतलब कितने इसमें जो है टर्म्स आएंगे डेसिमल के बाद तो आपको यहाँ पे याद होगा आपको फैक्टर्स करते हैं और फैक्टर करने के बाद जितना भी मैक्सिमम पावर बचेगा वो हम लेंगे जैसे यहाँ टू टू दन आ रही है फाइव टू दाआवर फोर आ रही है कैसे आया इसके फैक्टर्स किए गए, गए थे किसके सिर्फ ओनली डोनिमिनेटर के तो वहां पर मैक्सिमम पावर कितनी आ रही है फाइव की आ रही है फोर तो जो मैक्सिमम पावर आएगी वही हमारा आंसर होगा इज फोर इज राइट आंसर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अब क्वेश्चन है आपके कुछ काफ़ी चीज़ें इसमें कट भी हैं तो आते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है जो एग्जाम में आ सकता है आपकी जी तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्वेल्व क्वेश्चन ऑन द मॉर्निंग वॉक दर थ्री पर्सन स्टेप्स ऑफ टुगेदर एंड स्टेप्स मेज अर फोर्टी एंडी टू एंडी फाइव व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड टॉक Walk, है, यानि कि जो इनसे डिवाइड हो जाए तो क्या निकालेंगे एल क्योंकि मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है याद रखिएगा हमेशा बेल टाइप के क्वेश्चन हो रोटेशन वाले क्वेश्चन हो कितने एक ए इतने टाइम में रोटेट करता है दो बी इतने टाइम में रोटेट करता है सी इतने टाइम में रोटेट करता है तो वो मिनिमम टाइम निकालना है कि तीनों एक साथ कब एक साथ मिलेंगे इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं सभी में क्या निकालते हैं एलसीएम ही निकाला जाता है तो बस आप एल्सियम निकाल दीजिएगा और आंसर आपका आ जाएगा सेम एज आपका थर्टीन क्वेश्चन आपको यहां बताना है कि ये आपका टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है रिपीटिंग है तो देखिएगा याद आखिएगा ये जो आपका फॉर्म में दे रखा होता है तो ये हमेशा आपके दो ही कंडीशन को फॉलो करेगा एक होगा टर्मिनेटिंग और एक होगा नॉन टर्मिनेटिंग विद रिपीटिंग क्योंकि ऑलरेडी फ्रैक्शन में है तो इसलिए आंसर सिर्फ दो में से कोई एक आएगा एक हो सकता है टर्मिनेटिंग और एक हो सकता है नॉन टर्मिनेटिंग विद रिपीटिंग ये याद रखिएगा कि नॉन टर्मिनेटिंग के साथ विद रिपीटिंग आना है क्योंकि ऑलरेडी ये फ्रैक्शन में दे रखा है तो यहाँ पे उन्होंने जो फैक्टर किए तो देखा यहाँ पे टू दे थ्री आ रहा है फाइव टू दे फोर आ रहा है तो यानी कि ये हमारा कैसा होगा टर्मिनेटिंग होगा अदरवाइज अगर यहाँ पे थ्री आता सेवन आता इलेवन आता तो ये हो जाता नॉन टर्मिनेटिंग विद नॉन देखिए नॉन में बोल गया दोबारा से नॉन टर्मिनेटिंग विद रिपीटिंग होगा आते नेक्स्ट क्वेश्चन पी तो चैप्टर कंप्लीट होता है हैं नेक्स्ट चैप्टर चैप्टर की नंबर इज तो देखते इसमें कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका यही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इफ वन ऑफ दी जीरोस याद कि हंड्रेड परसेंट आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा एग्जाम में जिसमें आपको एक जीरो दे रखा होगा फाइंड आउट वैल्यू के निकालनी होगी तो इज अ वन जीरो ऑफ़ द क्वारेटिक पॉनोमल इज नेगेटिव थ्री दें द फाइंड ऑफ़ वैल्यू टू के तो इस सिचुएशन में करना क्या आपको जो आपको जीरो बोला गया है वो आपको एक्सेप प्लेस पे पुट कर देना है मीस आप माइनस थ्री यहाँ पे एक्से प्लेस पे पुट करेंगे और इक्वल में आप लेंगे जीरो अब फिर सॉल्व करते करते आंसर निकाल लेंगे और यहाँ पे कितना आंसर मिला है इज फोर अपॉन थ्री इज ए आंसर तो सेम है सीजे नेक्स्ट क्वेश्चन एक ए क्वारिक पॉइनल हो जा जीरोज आर निगेटिव थ्री एंड फोर आपको यहाँ पर क्वार्रेटिक पॉइनल निकालना है तो इसके लिए सबसे बेस्ट मेथड आपको ये है कि स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा अगर आप लेंगे और एल्फा बीटा पुट करेंगे ज़्यादा बेस्ट है जल्दी आंसर आ जाएगा तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर थर्ड ये मैं लगा के दिखाऊंगा क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है क्वेश्चन इफ़ द जीरोज ऑफ द एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस वन एक्स प्लस बी आर टू एंड माइनस थ्री याद रखिएगा यहाँ पे दो चीज़ें निकालनी हैं एक चीज़ नहीं निकालनी है पीछे एक चीज़ निकालनी जिससे के निकालना था एक ज़ीरो था यहाँ पे दो ज़ीरोज हैं दो चीज़ निकालनी है तो इसको अगर आप पुट करके लगाना चाहते हैं थोड़ा सा टाइम टेकिंग क्वेश्चन हो जाएगा जैसे इन्होंने ऑलरेडी सॉल्व किया है हम लोग कुछ नया लगाते हैं ताकि जल्दी आंसर आ जाए तो दिखाता हूँ क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा तो आपको जीरोस दे रखे हैं, अल्फा दे रखा है इज इट टू एंड बीटा इज माइनस थ्री ओके तो आप क्या करिए इनसे एक पॉइनोमल ही निकाल लीजिए तो फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं यहां पर पॉइनल का तो यहां पर माइनस वन प्लस एक्स हो जाएगा या माइनस सिक्स हो गया तो बस आप इससे कंपेयर कर लीजिए जो आपका क्वेश्चन गिवन था तो यहाँ पे वन आ रहा है तो ए प्लस वन इक्वल टू आ जाएगा वन और b इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का सिक्स तो a आपको क्या मिला जीरो मिला और b कितना माइनस सिक्स तो ऐसे इजी है ऐसे लगा रहा तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है a जीरो एंड b इज इक्वल टू माइनस सिक्स कंपेयर किया मैंने जो सिचुएशन की दी वहाँ पे और एक मैंने अपना फोनॉमेल निकाल लिया जो इन दो ज़ीरो से फाइंड किया तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फोर्थ क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम में मिलेगा आपको द नंबर ऑफ़ दी पॉइनॉमल हैविंग जीरोज़ माइनस टू एंड फाइव दो जीरोस दे रखे हैं बोला जा रहा है कितने आपके यहाँ पे पॉइनोमल्स बन सकते हैं तो मन में तो आंसर ये आता है कि दो जीरोस हैं तो दो आंसर होना चाहिए या एक आंसर होना चाहिए एक का ज़्यादा मन में आता है कि अगर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो एक ही तो पॉइनिनॉमिल आएगा जैसे यहाँ पर उन्होंने फाइंड किया है आप फार्मूला जानते हैं मैं लगा के दिखाता हूँ एक क्वेश्चन पहले आपको इसी क्वेश्चन को रिपीट करते हैं यही है क्वेश्चन जो आपका सॉल्व क्वेश्चन को लगाता हूँ टू दे रखा है फाइव दे रखा है लिखा था और निकाल लेते हैं एक पॉलिनोमियल तो ये आ जाएगा माइनस का थ्री एक्स माइनस का टेन तो पॉइनॉमल तो एक ही निकल गया लेकिन एक इसका आंसर नहीं होगा क्यों नहीं होगा क्योंकि हम अगर किसी भी पोनॉमिल को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो एक नया पॉइनॉमिल सामने बन के आ जाता है अगर मैं थ्री इंटू कर दूंगा तो एक नया पॉइनॉमिल आ जाएगा अगर मैं टू इंटू कर दूंगा एक नया पॉइनॉमिल आ जाएगा तो मीन्स यहाँ पे जो आंसर होगा एक नहीं होगा दो नहीं होगा

फाइनॉमल ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज ज़ीरो द प्रोडक्ट ऑफ दी अदर टू जीरोज तो यहाँ पे एक जीरो दे रखा है ऑलरेडी जीरो दे रखा है यानी अल्फा जीरो दे रखा है और मुझे क्या फाइंड करना है अदर ज़ीरोज़ का प्रोडक्ट निकालना है तो उसके लिए आप क्या करिए एल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा एल्फा यानी सम प्रोडक्ट लगाइए सी एफ ए क्यूबिक में जानते हैं एल्फा मुझे दे रखा है जीरो आप जीरो पुट कर दीजिए ऑलरेडी जीरो था एक जीरो हमारे पास तो आपके सामने खुद रिजल्ट आ जाएगा बी क्योंकि यहाँ पे जीरो हो गया अल्फा था बीट गामा इंटू जीरो ये भी जीरो हो गया तो बचेगा सिर्फ बीटा इंटू गामा और बीटा इंटू गामा की वैल्यू कितनी आ रही है अपॉन ए यानी कि अदर टू जीरो इज आर बीटा एंड गामा एंड द प्रोडक्ट बिटवीन बीटा एंड गामा इज अपॉन ए तो राइट आंसर इज बी आंसर इज राइट आंसर तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन में एग्जाम में the आंसर आ जाएगा लेकिन इसमें जो आंसर आ रहा है बी और ए में आ रहा है तो आंसर तो इसका यार रखिएगा आंसर कितना होगा ए वैसे ऑलमोस्ट मैं लगा चुका हूं पहले भी क्वेश्चन आपके तो आंसर इज बी माइनस ए प्लस वन यारेगा बी माइनस ए प्लस वन इज राइट आंसर अगर चाहे लगाएंगे कैसे तो आपको लगाने का तरीका दे रखा है यहाँ पे कि पहले आप जो है वैल्यू पुट करके सी की वैल्यू निकाल सकते हैं वहां पे फिर आप प्रोडक्ट लगा के आंसर आपको मिल जाएगा आंसर इज बी माइनस ए प्लस वन तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन ने यहाँ पे दे रखा है जीरोज ऑफ दिल आर यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉइंट देखा दे रखा है आपको निकालने को नहीं बोले गए आपको सिर्फ यहां पे बताना है कि दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों निगेटिव होंगे एक पॉजिटिव एक निगेटिव या दोनों इक्वल हो जाएंगे तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग डायरेक्टली लगा सकते हैं बहुत ईजी है अगर ये सारे के सारे पॉजिटिव दे रखें सारे पॉजिटिव एक्सक्वायर पॉजिटिव है नाइन बी एक्स पॉजिटिव है सी पॉजिटिव है तो आंसर हमेशा कैसे आएगा दोनों के दोनों जो आपके यहाँ पे आएंगे निगेटिव आएंगे ठीक है याद रहेगा आपको अगर सारी वैल्यूज पॉजिटिव हैं तो मतलब आपके जीरोस कैसे आएंगे दोनों के दोनों नेगेटिव आएंगे सेम एज आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक फाइनोमिल एक्स स्क्वायर के एक्स प्लस के इसके कैसे होंगे कैन नॉट बोथ पॉजिटिव कैन नॉट बोथ द निगेटिव आर ऑलवेज अनइक्वल आर ऑलवेज इक्वल तो तो ये क्लियर तो है कि दोनों सब यहां पे सारे के सारे साइन पॉजिटिव हैं अगर सारे साइन पॉजिटिव हैं तो कभी भी इनका जीरो वैल्यूज पॉजिटिव नहीं आएगी जैसे अभी हमने यहाँ पे पीछे क्वेश्चन में पढ़ा था आते नेक्स्ट क्वेश्चन इफ द जीरोज ऑफ क्वारिक पॉइनल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आर इक्वल देन अगर यहाँ पे जीरोज आ रहे हैं हमारे इक्वल दोनों के दोनों आ रहे हैं तो सिचुएशन क्या होगी सी एंड ए हैव द

होगा क्यों क्योंकि इक्वल जीरो के लिए डी होना चाहिए जीरो और डी की वैल्यू क्या होती है बी स्क्वायर मैस फोर ए सी होती है इक्वल जीरो तो अगर यहां से हम लोग वैल्यू निकालेंगे एसी इज बी स्क्र ऑफ ऑन फोर अब बी स्क्वायर ऑफ फोर इज ऑलवेज पॉजिटिव बी स्क्वायर ऑफ फोर इज ऑलवेज पॉजिटिव और इक्वल टू द एसी तो एसी पॉजिटिव होने के लिए क्या होना चाहिए तो ए को पॉजिटिव होने के लिए ए ओ दोनों के साइन होने चाहिए पॉजिटिव ही होने चाहिए तो इलेवेंथ क्वेश्चन जिसमें क्या पूछा गया है इसमें बोला गया है कि इसमें तो कौन सा ग्राफ जो है क्वाड्रेटिक पोयनॉमल नहीं है यार कि नॉट यहाँ दे रखा है तो सिंपल सा जवाब है इसमें जिसके भी जीरोज आपके कितने आएंगे दो से ज्यादा आएंगे तो वो हो जाएगा आपका क्वाड्रेटिक पोनॉमल नहीं होगा तो पे कौन से ऐसी जिसमें दो से ज्यादा जीरोस मिल रहे हैं जीरोस मतलब एकस पे कितनी जगह उस ग्राफ ने कट किया है तो यहां पे थ्री टाइम्स टाइम कट कर रहे हैं तो मीन पे ये क्यूबिक है क्वाड्रेटिक नहीं है तो राइट आंसर इज डी तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं अब चलता हूं जीरो फाइंड कर सकते हैं इजिली एग्जाम में तो ये तो आपका हो जाएगा तो अब आते हैं ये तो आपका इसमें सिलेबस में नहीं है बट स्टार्ट करें न्यू चैप्टर इज अ चैप्टर नंबर थर्ड पेयर ऑफ द लीनियर क्वेश्चन द टू वेबल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें तो इसमें क्या क्या चीज़ मिलेगी तो पहला क्वेश्चन आता है ग्राफिकल पेयर ऑफ दिए रिप्रेजेंट नहीं करना है सिंपल सी बात हो या कि रफ शीट आपको वहां पर मिलेगी आप टीचर से वहां पर ले लीजिएगा तो सबसे पहले दो इक्वेशन यहाँ दे रखी बताना यह है कि इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं इंटरसेक्टिंग टू पॉइंट्स पे हैं कोसीडेंट्स हैं या पैरेलल है तो आपको याद होगा कि आपको क्या करना है कि ए वन ओपॉन ए टू बी वन ओपॉन बी टू सी वन सी टू टेक करना है और अगर आपकी जो है सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर आपका पहला नॉट इक्वल टू आता है तो यूनिक मीस वन पॉइंट पे कट करेगा अगर आता है बी

मे भी यही चीज बता रही है आपको कि आखिर यहाँ पे जो आंसर होगा कैसा होगा जो सेम रेशियो लिया गया है तो देखा गया है कि सी वन सी टू इज नॉट इक्वल टू बी वन पॉइंट बी टू मीस लाइन्स आर पैरल जब पैरल होगी तो आंसर क्या होगा इज ए नो सोल्यूशन

The line which, या कि दोनों अलग अलग है अलग अलग मीनस एक एक्स वाई है तो आंसर हमेशा क्या होगा इंटरसेक्टिंग लाइन होगी अगर दोनों सेम है तो मीन्स हमेशा पैरल लाइन्स होगी अगले क्वेश्चन बता दें फॉर द वैल्यू द के काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो इसमें क्या निकालना है के निकालना है दो क्वेश्चन दे रखिए छुपा हुआ है लेकिन मुझे फाइंड करना है अकॉर्डिंग टू कोइंसिडेंट लाइंस तो यानी ए वन ओपॉन ए टू बी वन ओपॉन बी टू नॉट या फिर नहीं ऑलरेडी सब सी वन ओपॉन सी टू तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं इक्वल ले लीजिएगा जिसमें बी आ रहा है मतलब के आ रहा है उसको टिक करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना है काफी ज्यादा क्लास में क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ ये क्वेश्चन सॉल्व होने का आंसर कितना देगा माइनस टू आंसर देगा सेम एज पैरल लाइन्स का भी कंडीशन आपको याद होगा ए वन ओपॉन् ए टू बी वन अपॉन्ट बी टू सी वन अपॉन सी टू इज नॉट इक्वल टू इक्वेश गिवेन है आपको बस यहाँ पे पुट करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर आ जाएगा लेकिन हाँ ये ध्यान रखिएगा कि आपको यहाँ पे आंसर जो है नॉट इक्वल टू में है या इक्वल टू में तो यहाँ पे सब इक्वल टू के साइन दिख रहे हैं नहीं लगे तो इक्वल टू के ही हैं तो यहां पर आप लोग क्या करेंगे सिर्फ स्टार्टिंग वाली सिचुएशन टेक करेंगे अगर आंसर में नॉट इक्वल टू का साइन दे रखा है तो आप लास्ट वाली कंडीशन भी टेक करेंगे एट क्वेश्चन भी सेम है इसको आप घर पे लगा लीजिएगा थोड़ा मैं वीडियो रोक देता ये लग जाएगा क्वेश्चन भी सेम है वो भी लग जाएगा मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराना चाह रहा हूं क्योंकि और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वो मैं कराऊंगा ये भी इंपॉर्टेंट है लेकिन सिमिलर क्वेश्चन तो है तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्वेल्व क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है ट्वेल्व क्वेश्चन अरुणा हैजली रुपीज वन रुपीज टू कॉइन विद टोटल नंबर ऑफ दी है यहाँ पे क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है कि इसके बाद जो यानी टू रुपीज कॉइन एनसीआर में कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन दे रखा है लेकिन एग्जाम में बिल्कुल डिटो क्वेश्चन नहीं आता थोड़ा सा चेंज होके आता है तो उनमें से यह क्वेश्चन एक है लेकिन इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया क्योंकि एनसीआर में भी है तो इसमें जो है वन और टू रुपीज़ के कॉइन कितने है इसको करके देखते हैं को। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे सबसे पहले एक्स वाई मैंने लेट कर लिया है नंबर ऑफ कॉइन्स एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा फिफ्टी हो जाएगा अमाउंट कितना है सेवेंटी फाइव तो एक्स वन रूपी क्वन वन इंटू एक्स हो गया टूर बी कॉइन इज वाई टू वाई हो गया इक्वल टू सेवेंटी फाइव अमाउंट हो गया तो बस इन दोनों इक्वेशन का लीजिए सॉल्व साइन चेंज कट वाई इक्वल टू सेवेंटी आ चुका है और एक्स प्लस वाई कितना था हमारे पास फिफ्टी था ओ यहाँ पे फिफ्टी दे रखा था तो यहाँ पे कितना हो जाएगा इज इज ट्वेंटी फाइव तो ट्वेंटी फाइव यहाँ पे पुट कर दीजिए एक्स वाई के प्लेस परिफ्टी तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा ट्वेंटी फाइव तो राइट आंसर इज ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव नेक्स्ट क्वेश्चन मैं यहां पे इनफाइनाइटली मैनी क्वेश्चन काफी क्वेश्चन देख लीजिए ये क्वेश्चन आप लगा लीजिएगा ये क्वेश्चन ये दे रखिए कि मैनी सोल्यूशन दे लाइन्स आर को वन सॉल्यूशन ए टू बी वन ओपॉन एपी टू सी वन ओपॉन सी टू तीनों इक्वल है पुट कर दीजिएगा लैमडा है क्रॉस में कर लीजिएगा आंसर आ जाएगा आप लगा सकते हैं इसके बाद मैं आता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पी नो सेम एज क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे चलते हैं और आगे और आगे और आगे और आगे, और आगे। जी हाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेने जा रहा हूं यहाँ पे इज ए सेवेंटीन क्वेश्चन तो सेवनटीन क्वेश्चन देखिएगा इसमें क्या दे रखा है नया द एज ऑफ द फादर द एज ऑफ द फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू चिल्ड्रन इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे देखिएगा क्या नया है नया ये है कि यहाँ पे दो बच्चे हैं द एज ऑफ द फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ द द एज ऑफ हिज टू चिल्ड्रन आफ्टर ट्वेंटी ईयर्स हिज एज विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द एजिस ऑफ हिज चिल्ड्रन फाइंड द एज ऑफ द फादर तो सिंपल सी बात है यहां पर हम लोग क्या करेंगे इन